सबको मेरा वो धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। राधा नील माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की प्रहलाद नरसिम्हदेव भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग का और मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिंस कल का दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस हुआ ना, इसलिए उनके बारे में एक श्लोक है, बहुत मेरे को बहुत सबको पसंद हो गए। ये नरोत्तम दास ठाकुर का ये सॉन्ग है, वो भजन गाने के बाद हम क्लास शुरू करेंगे। हरे कृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर का भजन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दया कर मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दया कर मोरे, पति पवाना है तो तवा अवतारा, पति पवाना है तो तवा अवतारा, मोसा मा पतिता प्रभो ना पाई बार, मोसा मा पतिता प्रभो ना पाई बार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दया कर मोरे, अह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सूजी, अहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सूखी, कृपा बोलो कोनो कोरो आमी बोड़ दुखी, कृपा कोरो कोनो कोलो आमी बोड़ दुखी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, दया कर सीता पते अद्वैत गोसाई, दया कर सीता पते अद्वैत गोसाई, तव कृपा बाले पाए चैतन्य निता, तव कृपा बाले पाई चैतन्य निता, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दया कर, आह स्वरूप सनातनो रूप रघुनाथा, आह स्वरूप सनातनो रूप रघुनाथा, बट जुग जीव सी जीव आ प्रभु लोकनादा, बट जुग सी जीव आ प्रभु लोकनादा, दया करो सी आचार्य प्रभु श्रीनिवासा, दया करो सी आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगा मंगे मारो तमदासा, रामचंद्र संगा मंगे मारो तमदासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य जयंती महाउत्सव की जय।
ध्यान श्लोक। ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानांजन सलाक्या चक्षुषोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं कदापि सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रदातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सचिवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन्यसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाभितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं मां कृतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति न स्थगि। बिफोर रिसाइडिंग द श्रीमद् भागवतम इट्स द वेरी मींस ऑफ कॉन्टेक्ट वन शुड ऑफर रेस्पेक्टफुल ओबीडियंस अंडर द पर्सन एंड गॉड नारायण टू नारायण जी इज सुपर मोस्ट इन द मदर सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग टू श्रील व्यास देव द ऑथर द रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस इन द भागवतम एंड वेर रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटीज ऑल दैट इज सबसम टू गॉड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड and loving service unto the personal devotee who is praised with transcendental songs is established as a river of divine. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, yonta pravishya mamva chai mam prasuktam sanjivayati akila shakti darasvadamna anyam sahasra charanasya vanatugadi prana namo bhagavate pushtaya tubhyam श्याम सुंदर प्रभु श्याम चरण प्रभु और मनोहर कृष्ण प्रभु सामने मैं बात करने का लायक भी नहीं है, मर्यादा अतिक्रमण है। स्वयं स्मृति प्रभु और स्वयं थैंक यू वेरी मच फॉर सामने बात करने के लायक भी नहीं है, बट फिर भी प्लीज माफ करना, मेरा हिंदी भी कचरा है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन हिंदी प्रॉपरली। सो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, सो मैं महाराज को प्रे कर रहा हूँ एक दिन मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंदी अच्छा बात करूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई बैड हिंदी, प्लीज फॉरगिव मी एंड टॉलरेट मी, थैंक यू वेरी मच। जस्ट लाइक यू आर टॉलरेटिंग ए स्मॉल स्मॉल चाइल्ड, प्लीज टॉलरेट। सो हम तो बात कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग व्यास देवा एंड वी वर डिस्कसिंग द वर्स 1-28 एंड 29। सो वी विल रिसाइट द वर्स। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मता वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा अंगति। सो ट्रांसलेशन इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्ण हिज पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस इज टू प्लीज हिम योगा इज फॉर रियलाइजिंग हिम ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज आर अल्टीमेटली रिवॉर्डेड बाय हिम ओनली इज सुप्रीम नॉलेज And all severe austerities are performed to know him. Religion, dharma is rendering loving service unto him. He is the supreme goal of life. So we have finished Vasudeva Para Veda, Vasudeva Para Maka, Vasudeva Para Yoga, Vasudeva Para Kriya. We are looking at Param Jnana, supreme knowledge. Inke bare mein baat kar rahe hain. So ye bahut important baat kiya. Wo knowledge kaisa lena hai, wo bhi hum discuss kiya. Hum to ajnan mein hai. Five types of coverings we saw. In a uh, 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 uh,
तमस तामिश्रा अंदर तामिश्रा एंड देन मोहा महामोहा, वो सबसे निपटने में, उधर से निकलने आने के लिए एक ही तरीका है, हम गुरु का शरण लेना है। और गुरु इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको देखा है वो प्रहलाद महाराज का एवं जन्म प्रपद्यतम प्रभो आप गुरु के, आपको उनका दिव्य ज्ञान दिव्य क्वालिटीज सबको हमको दे रहे हैं, कृत्वात्म सांग वो भी हम देखा है, इसलिए हमको हम इतना अंधा है, हमारा अंधा सपोज हम डॉक्टर के पास जाए, अब एक अंधा डॉक्टर के पास गया आई डॉक्टर, वो आई डॉक्टर उसको आई वो विजन दे दिया, तो कितना उनको वो ये यू विल बी इंडेटेड टू दैट डॉक्टर। सेम वे वी कैन नॉट रीपे, हमको हम कभी भी ना हम ऋण नहीं चुका सकता, हमारा गुरु का इतना प्यार करके हम इतना हम घटिया आदमी में मेरे को पकड़ता है, आई डोंट नो कैसे पकड़ा मेरे को भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नो क्वालिफिकेशन नहीं है, पर फिर भी हमको पकड़ा है, अब कृष्ण का नाम ले लो है? और ये करो, वो ग्रामीण दीक्षा भी दिया, ग्रामीण भी नहीं है मैं, सो देखो उसमें इतना महाराज का इतना कृपा है, इतना अंधा में है, सो वी वॉज अज्ञानंद तिमिरानंद से, तिमिरानंद मीन्स फोर्सफुली वो जबरदस्ती हमको आईज ओपन करके ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिया। सो इसलिए इन दिस नॉलेज, व्हाट इज दिस नॉलेज, वो हमको समझना है ना, इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं भगवत गीता में राज विद्या राज गुह्यम, उसके बारे में हम बात करेंगे, वही दिस नॉलेज इज राज विद्या, राज विद्या का मतलब किंग ऑफ नॉलेज, ये अभी तो किंग ऑफ नॉलेज क्या होता है, आजकल किंग ऑफ नॉलेज है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड द डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स, यही सब नॉलेज है, ये भौतिक ज्ञान यही होता है, यही टॉप नॉलेज होता है, किंग ऑफ नॉलेज बोलता है, आप डेटा एनालिटिक्स मालूम है, बिजनेस एनालिटिक्स मालूम है, मशीन लैंग्वेज मालूम है, कोडिंग मालूम है, ये सब ठीक है, ये सब चाहिए, किसी को पूछता है नहीं, आपको ह्यूमिलिटी मालूम है, क्या होता है ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस अदा अमानित्व अदम्बित्व, ये सब क्वालिफिकेशन नहीं देखते, क्वालिफिकेशन है नॉलेज, अभी नॉलेज क्या देखते हैं, मशीन लैंग्वेज मालूम है, बिजनेस एनालिटिक्स मालूम है, डेटा एनालिटिक्स, सो इसलिए हमारा संस्कृति सब इतना बेकार हो रहे, ये सब पीछे इसके पीछे ये भौतिक ज्ञान के पीछे वो है, इसलिए तो आदमी का आदमी को प्यार नहीं है, अभी तो 40 मिलियन जॉब 400 मिलियन जॉब्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, सो मेनी पीपल लॉस्ट द जॉब, सो इसके लिए वो दिल का अंदर कुछ भी नहीं है, वो एक दिन टर्मिनेट, वो एक आदमी टर्मिनेट करना इतना सोचता है पहले 20 साल पहले 25 साल पहले, एक आदमी को टर्मिनेट करना और एक आदमी को निकालना बहुत मुश्किल है, सोचते हैं बहुत सोच के करते हैं, वो नॉन परफॉर्मर कंप्लीट नॉन परफॉर्मर लेजी ये ऑलरेडी हैड बैड रिपोर्ट्स, इसके वजह से वो टर्मिनेट करता है, आजकल ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी तो अभी तो मिलेगा, अभी हमारा चेन्नई में हमारा ऋषिकेश बोल रहे हैं हम इतना मेहनत करेगा बट फिर भी मालूम नहीं कब हमको चिट्ठी मिलेगा, क्या मिलेगा चिट्ठी, टर्मिनेशन लेटर मिलेगा, सो इसलिए उतना स्थिति हो गया अभी, सो ये किंग ऑफ नॉलेज क्या होता है, किंग ऑफ नॉलेज का मतलब के पहले किंग ऑफ नॉलेज अमानित्व, अमानित्व मीन्स इतना हम तो विनम्रता होना चाहिए, हम कृष्णा बोल रहे हैं अमानित्व अदम्बित्व 13 चैप्टर में बोल रहे हैं, ये संस्कृति हम कल्चर ऑफ नॉलेज रूपा बोल रहे हैं, कल्चर ऑफ नॉलेज मतलब ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञान को प्रैक्टिस करना वो कल्चर में होना चाहिए, कल्चर का मतलब हमारा खून में फंसना है, ये कल्चर खून में फंसना है, अभी खून में फंसना इतना आसान है, खून में फंसना है फिर मन में फंसना है, हमारे दिमाग में फंसना है, हमारे बुद्धि में फंसना है और हमारा आत्मा में फंसना है, हमारा आत्मा तो शुद्ध है, हमारा आत्मा है नॉलेज कल्चर बट वह भी कचरा पड़ा हुआ है, इसको साफ करने के लिए हम तो चैंटिंग कर रहे हैं ना, चेतो दर्पण माजनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम्, सो इसलिए इसमें ये ज्ञान अमानित्व कृष्ण जस्ट बात नहीं करा, मैं कृष्णा अर्जुन को नहीं बोल रहा है अमानित्व अदम्बित्व ऐसा कुछ ऐसा कैजुअली, हम तो ऐसा बोलते हैं, हम मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा सिर्फ बोलूंगा मैं ऐसा, मेरा मन में ऐसा ही है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस प्रैक्टिस दूसरों को करना है, महाराज एक दफे बोला है मेरे को बोला है 2007 में बोला है, सज्जन प्रिया बहुत बड़ा प्रीचर है, सबको प्रीच करता है, वो अपने आप आचार नहीं करता है, क्योंकि उसका मन में दूसरा का प्रीच करना, उनको सुधरना नहीं होना था,
ऐसा बोला मेरे को। तो मेरे अभी तक सुधरा है नहीं है, 25 साल हो गए अभी तक सुधरा नहीं, अब सुधरेंगे मालूम नहीं। मैं आपको लोग को विनती कर रहा हूँ, मैं प्लीज सम और अदर प्लीज गिव मी मर्सी समझे आई डोंट अरे यार विनती कर रहा हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी दैट वन डे आई बिकम अ डिवोटी। सो इसलिए कृष्णा जस्ट बात नहीं कर रहे हैं अमानित्व, ये किंग ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, मतलब ये ज्ञान अमानित्व द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कृष्णा कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास टाइम में, देखो कैसे प्रैक्टिस किया महाराज, प्रभुपाद परकोट में बोल रहे हैं ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंशियस हाउ टू हैव द सैटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, वो उनका ऑनर का जरूरत नहीं है। कृष्णा को देखो कभी भी ऑनर मांगता ही नहीं है, द मटेरियल कॉन्सेप्ट में मेक अस वेरी ईगर टू रिसीव ऑनर्स। हमारा कॉन्सेप्शन क्या है, वो भौतिक स्थान में हम हमेशा मांगते हैं ऑनर मांगते हैं, वो क्लास होने के बाद कितना क्लैप्स होगा, कितना हमको भाषण देगा, ग्लोरीफाई करेगा, वही हम हमारा पीछे, हम ग्लोरिफिकेशन के पीछे है। महाराज बोल रहे हैं आप तो ग्लोरिफिकेशन का योग्यता भी नहीं है, अब कैसे ग्लोरिफिकेशन मिलेगा आपको, क्योंकि आपको कृष्णा को ग्लोरीफाई करने का मालूम नहीं, आप ग्लोरिफिकेशन के पीछे क्यों हो रहे हैं। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्यू इज परफेक्ट नॉलेज वो नो दैट इज नॉट द बॉडी एनीथिंग ऑनर और डिसऑनर पर्टेनिंग टू द बॉडी इज यूजलेस, मतलब ये हमको मिलेगा ऑनर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी, ये शरीर का है ये आत्मा का नहीं है। One should not be hankering after this material substance. ये deceive कर रहे हैं हमको, anchor कर रहे हैं। देखो कृष्णा कैसे believe should not be anxious. कृष्णा को देखो, कृष्णा तो भगवान है, परम पुरुष भगवान, उनका अहंकार होना चाहिए क्योंकि सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सब लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बट फिर भी देखो कितना विनम्रता से बिहेव कर रहे हैं। 3:16:5 इसमें वो सनत कुमार आया, वो दर्शन लेने के लिए आया, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लेने के लिए इतना लालसा है, इतना अंदर में इतना प्यार है कृष्ण का, क्योंकि तुलसी का एसोसिएशन की वजह से उनको कृष्ण का दर्शन मिल रहा है, वो इम्पर्सनलिस्ट था पहले, वो सिर्फ तुलसी का दर्शन टच एसोसिएशन लेके सताम प्रसंगा ममवीर समुद्र भवंती रत्कन रसायन कथा जस्ट बाय एसोसिएशन ऑफ तुलसी माता दे बिकम प्यूरिफाइड दे बिकम पर्सनलिस्ट They become devotees. Devotees हो गया। तुलसी उसका भक्त बना दिया, बना के वो आ रहा था वैकुंठ, आ रहा था लालसा, लालसा इतना उसके अंदर लालसा, मतलब कितना प्यारा लालसा कृष्ण का, कैसे कृष्ण को देखना, कृष्ण को देखना, कृष्ण को देखना, वही लालसा हमको होना चाहिए, हमको वो तो नहीं होना चाहिए, राधा लील माता को देखना है, हम क्लास को आना है, ये भागवतम सुनना है, वो लालसा नहीं है हमको, लालसा मजाक करने का, जिंदगी का एंजॉय करने का, हमारा मन ऐसा ही है। सो ये वो दर्शन लेने के लिए वो आ रहा था, कौन सनत कुमार, वो उसको रुकावट किया, वो जय विजय रुकावट करने के बाद वो लोग साफ किया, साफ दे दिया, साफ दे के उनको आप तो इधर रहने का जरूरत नहीं है, आप नीचे जाके मृत्यु लोक में जाना है आपको, ऐसा बोल दिया उन लोगों को, ऐसा बोल दिया बोल के उसके बाद कृष्णा एंटर कर रहे हैं, एंटर करके पहले भाषण दे रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा भाषण सीखना है के अमानित्व, अमानित्व ये किंग ऑफ नॉलेज, ये सुप्रीम परम ज्ञानम यही है, कैसे सीखता है कृष्णा, देखो बोलते हैं ये ना कृष्णा बोल रहे हैं इसको ना सनत कुमार तद वह प्रसादयामी अद्य बोल रहे हैं वो सेजस therefore he says वो सेजस यू सेजस प्रसादयामी आई एम सीकिंग योर फॉरगिवनेस मैं माफी मांगता हूं जस्ट नाउ अद्य नाउ उनका क्या होने हैं क्यों स्टॉप किया कैसे स्टॉप किया कौन आ रहे हैं वो सब नहीं देख रहे हैं कृष्णा कुछ भी नहीं देख रहे हैं उनका ज्ञान देखो उसका कल्चर देखो उसका संस्कृति कृष्णा का कृष्णा तो भगवान है बट फिर भी परम पुरुष भगवान उसको बोल रहे हैं मेरा 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 असिस्टेंस किया वो अच्छा किया मैं अभी सो रहा हूं तो मेरे को डिस्टर्ब मत करना डिस्टर्ब किया तो इसलिए वो तो स्टॉप किया सो अच्छा है ऐसा बोल रहे हैं हम लोग ये देखो ये मालिक है ना सब मालिक होते हैं अदर शाहरुख खान तेंदुलकर उन लोग का दर्शन लेने के लिए ये लोग जा रहे हैं उनको मना करेगा वो तो गुंडास जैसा बैठता है वो सब मना करेगा वो लोग मना करेगा अंदर जाने का सो इसलिए So, but here,
मना करेगा, वो बोलेगा मेरा असिस्टेंट क्या क्या वो अच्छा है, बट हियर टोटली ऑपोजिट। वो क्या बोल रहे हैं, तुम वहां वो सेजस प्रसादयामि, प्रसादयामि मतलब मैं सीकिंग योर फॉरगिवनेस। दिस इज अमानित्व, अमानित्व मतलब ये परम ज्ञान कैसे सीखना है। गलती हो गया, किसको गलती, उनका उनको स्टूडेंट्स को गलती, उनका असिस्टेंट्स को गलती, उनका गलती नहीं है, उनका सेवक का गलती है, उनका कृष्णा का गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं। कृष्णा उसको नहीं बोला स्टॉप करो, ऐसा मत स्टॉप करो, ऐसा नहीं बोला कृष्णा, रुकावट नहीं किया, एक अपने आप खुद ले लिया कौन जय विजय। सो देखो प्रसादयामि, एंड देन नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं व्हाई आई एम आस्किंग फॉरगिवनेस, बोल रहे हैं मैं इसके वजह से कर रहा हूँ। ब्रह्म देव परमीमे, ब्रह्म ब्रह्म मतलब आप तो ब्राह्मणस है, ब्राह्मणस मेरा मामा प्राण है, मेरा प्राण पांडव मा ब्राह्मणस। देवम मोस्ट बिलवड, हमको बहुत बहुत प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा है, एंड परम बहुत प्यारा है, बहुत परम हाइएस्ट। सो दैट ऑफेंस, वो आपको अपराध किया है, बिकॉज ये अपराध वो नहीं किया, आत्मकृतम मन्नी नहीं किया है, वो लोग नहीं किया, ये असिस्टेंट नहीं किया। मैं देखो इसमें कैसे ले रहे हैं वो अकाउंटेबिलिटी। आजकल हम डिवोटीज बन रहे हैं, डिवोटीज बना रहे हैं सब कुछ, बट अब कोई गलती हो गया, कोई गलती हो गया, क्या बोला ये डिवोटी किया, ये किसके डिवोटी होगा, वो डिवोटी गलत किया, ये डिवोटी ऐसा किया, ये डिवोटी ऐसा किया। हम सबको हम बात करके वो उस सबको ब्लेम उनको दूसरों करते हैं। ये देखना कृष्णा खुद अकाउंटेबिलिटी खुद ले रहे हैं, उनका गलती हो गया, जय विजय का गलती हो गया, वो खुद ले रहे हैं। आत्मकृतम मन्नी, आई हैव डिड द ऑफेंस, यस वॉन्ग बिबिर असर करता है, मेरे ऑफेंस की वजह से ये लोग आपको डिसरेस्पेक्ट किया, आपको मान, आपको अभिमान नहीं किया, तो इसलिए मेरे वजह से नहीं किया वो लोग, सो मेरे वजह से मेरा 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 घमंड है, मेरा गर्व है, मेरा मेरा मैं दंभा, मैं दर्पा, इसकी वजह से ऐसा हो गया, प्लीज फॉरगिव मी, क्यों ऐसा मैं किया, बोल रहे हैं मोस्ट बिलवड पर्सनालिटी। देखो एंड देन बोल रहे हैं नेक्स्ट 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 बस बोल रहे हैं यह सेव या चरण पद्म पवित्र रेणु, मैं मेरे का पवित्र कैसे हो रहे हैं ना, मैं पवित्र कर रहा हूँ और सारा का पाप सब निकल रहे हैं, ये लोग हमारा चरण पकड़ रहे हैं, मेरा चरण पकड़ रहे हैं और उसका पाप निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, मेरे वजह से नहीं, क्योंकि मैं डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ माय डिवोटीज, इट सेवया मैं सेवा कर रहा हूँ मेरे डिवोटीज को, तो आप लोग जैसा देवन डिवोटीज का आप लोग इसमें इतना इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो सनत कुमार, मैं आपको सेवा कर रहा हूँ क्योंकि आपके डस्ट द लोटस फीट आई एम प्यूरिफाइंग द थ्री बर्ड्स सद्यक्षता अखिल मलम प्रतिलब्धशील, मैं सबको पाप में निकल रहा हूँ, इसी वजह से क्या हो रहा है, मैं सबको पाप में निकल रहा हूँ इसलिए लक्ष्मी मेरा पीछे नाशेर व्यक्त प्रेक्षा, हम सब लोग लक्ष्मी का कटाक्ष के लिए वेट कर रहा हूँ, इसलिए दीपावली के दिन सब बंद करके हम घर में नहीं, घर से नहीं जा रहे, क्योंकि लक्ष्मी बाहर जाएगा, इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे, बंद नहीं करने जाना है, ऐसा कर रहे हैं, बट इधर लक्ष्मी कटाक्ष के लिए हम वेट कर रहे हैं, कितना साल हम वेट कर, जितना इतना मेहनत कर रहे हैं लक्ष्मी कटाक्ष के लिए, ये कृष्णा मेरे को कृष्ण, इसलिए इसकी वजह से मेरे पीछे कृष्णा लक्ष्मी सकसा संभ्रम से हम सेवा करने के लिए आ रहे। सो इसलिए वो इतना प्यारा प्यारा बोला, आई एम रेडी टू, दूसरा वर्ष में बोल रहे हैं सर्वज का गलती है, इसलिए आई एम रेडी टू लॉप ऑफ माई हैंड, मतलब मेरे को मेरे हाथ में काटो, आई एम रेडी टू कट माई हैंड, बिकॉज मेरे वजह से ऐसा किया, मेरा राइट हैंड में कट कर दो, दोनों हाथ में काट कर दो, काटो काटो दोनों हाथ में काटो, क्योंकि मेरे वजह से ऐसा हुआ, कैसे ऐसे हो सकता, क्योंकि अमानित हो, अमानित भागवतम में एक वर्ष है 1921 21 or 20 क्योंकि सब लोग मशीन लैंग्वेज दे रहे हैं,
बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डॉक्टर बना रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, बट फिर भी ये सीखता ही नहीं. We are not giving this amani to other people. ये पास टाइम रोज हमको और बच्चों को सीखना पड़ेगा. ये इतना इतना भगवान परम पुरुष भगवान वो कंट्रोलर ऑफ सनत कुमार, कंट्रोलर ऑफ जय विजय, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं बट फिर भी माफी मांग रहे हैं. देखो इतना, see how much there is no ego, iota of ego on Krishna. Amanito, adambito, adambito means pridelessness. Pridelessness मतलब कोई भी ईगो नहीं है, बिल्कुल ईगो नहीं. अभी देखो वो भगवान का देखा, भगवान भक्तों के देखो वो कैसे कर रहे हैं. सो ये भगवान के भक्तों हो, हम ऐसा ऐसा हम सीखना है, हम भक्त भक्त कैसे बनाना है. हमको हम क्या बोलते हैं, हमें अभी हमेशा महाविष्णु गोस्वामी महाराज को डिसेप्ट है, मेरे को भागवतम सब कुछ मालूम, कुछ मालूम नहीं हमको भागवतम, मेरे को कुछ नहीं मालूम भागवतम में. मैं बोल रहा हूँ मैं भागवतम मालूम है, एंड समबडी टेल्स महाविष्णु गोस्वामी डिसिपल्स आर वॉकिंग भागवतास. सो वॉकिंग भागवत, हम तो हम वॉकिंग भागवत ऐसा सोचते हैं, हमका तो इतना प्राइड होता है, ऊपर हो जाते हैं. सो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए. अदम्बितो, अदम्बितो मीन्स मतलब प्राइडलेसनेस, मतलब थोड़ा भी अहंकार नहीं होना चाहिए. ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा. सो अदम्बितो, अदम्बितो मतलब इधर देखो उनका थोड़ा सा ईगो भी नहीं है कृष्णा का. अभी देखो डिवोटी, डिवोटी कैसे कल्चर ऑफ नॉलेज संस्कृति करते हैं. अंबरीश महाराज, अंबरीश महाराज का पास टाइम में आपको मालूम है, सबको मालूम है, उसके बारे में नहीं बात कर, सिर्फ उनका अदम्बित्व उसके बारे में बात करें. ये कल्चर ऑफ नॉलेज, हम सब नॉलेज नहीं बात करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, इतना साल लगेगा मालूम है. सो इसलिए हम कट करके थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में. सो वो अंबरीश महाराज आपको मालूम है, अंबरीश महाराज वो प्रसाद काया थोड़ा पानी पिया, वो एकादशी व्रत के बाद पानी पिया, वो दुर्वासा मुनि आया, उसको गुस्सा हो गया, उससे बाल से एक डेमन फायर डेमन आया, अग्नि अग्नि डेमन आया, वो आके उसको सेव कर रहे हैं. भागवतम बोल रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल वर्स 9448 में, उसमें रूपाधर प्राग दृष्टम, प्राग दृष्टम मतलब अपने आप सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र बैठा था चुपचाप, सुदर्शन चक्र को इतना गुस्सा हो गया, हमारा डिवोटी भगवान का भक्त मेरा 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 मित्र अम्बरीश महाराज को बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्वासा मुनि क्या सोचते हैं, ये तपस्वी ये अकलमंदी नहीं है. इसलिए उसका इतना गुस्सा हो गया, सीधा आके वो फायर डेमन को मारा, मार के उसके बाद मेरे डिवोटी को कैसे टच करूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. इसलिए अपने आप वो अपने आप खुद डिसीजन लेके और कृष्णा का परमिशन तो ले लिया वो, कृष्णा का परमिशन, कृष्णा का परमिशन बोला क्यों हमारा भक्त अभी कष्ट में, हम तो थोड़ा देखना पड़ेगा. इसलिए वो कृष्ण बोला ओके मेरा सैंक्शन हो गया, आप जाइए, मैं आप वैसे भी मेरा कंट्रोल में नहीं है, आपका कंट्रोल अम्बरीश का है, मेरा कंट्रोल नहीं है. बोला मेरा सुदर्शन चक्र नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं, सिर्फ आपको सैंक्शन मांग रहे हैं, हम तो सैंक्शन दे रहे हैं, उपदृष्टा हनुमंता, मैं हनुमंता कर रहा हूँ, सो मैं आई एम गिविंग अप्रूवल, सो यू गो अहेड. सो इसलिए वो सुदर्शन का वो उसका मारा और दुर्वासा मुनि के पीछे गया, दुर्वासा मुनि ब्रह्मा के पास गया और उसके बाद शिवा, लॉर्ड शिवा, और उसके बाद विष्णु, विष्णु तो बोल रहे हैं मेरे को कोई मेरे को, विष्णु के पास आया, विष्णु बोला अम्बरीश दुर्वासा मुनि क्या हुआ, देखो ये सूर्य चक्र, ये आपका चक्र, मेरा चक्र, मेरा चक्र नहीं है, मेरा चक्र इधर ही है, देखो मेरा चक्र इधर ही है, उसके ये मेरा चक्र है, दूसरा चक्र है, ये हमारा चक्र नहीं, ये अम्बरीश का चक्र है, मेरे बारे में इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं आम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त को अधीन हूँ मैं, और पराधीन दीन नहीं बोल रहे, वो पराधीन मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा बोल रहे हैं हम ये अस्वतंत्र, अस्वतंत्र मीन्स मेरे को पास स्वतंत्र नहीं है, मेरे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन माय मर्सी ऑफ माय डिवोटीज, इट्स ए वे आर चरण पद्म पवित्र रे. सो इसलिए मैं उसको डिपेंड कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, पहले मैं फर्स्ट वर्ष में बोला स्वतंत्र, बट फिर भी अभी स्वतंत्र नहीं, मैं अस्वतंत्र. सो इसलिए मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप एक ही काम करना पड़ेगा, आपको सीधा जाके वो बात कर दो उसके साथ, वो अम्बरीश महाराज के साथ बात करो, उसके साथ कुछ हो जाएगा तो आपको कल्याण हो जाएगा. मेरे ख्याल से उसके पास जाइयो, वही रास्ता बताएगा, मेरे को रास्ता नहीं मालूम,
क्योंकि ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है, ये प्राग दिष्टम, वो अपने आप अम्बरीश का पूजा से आया हुआ है ये सुदर्शन चक्र, सो इसलिए मेरा कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल उनका पास है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। सो वापस गया वो दुर्वास मुनि, वापस आके उधर बात किया, उधर आके कृष्ण अम्बरीश महाराज को चरण कमल पकड़ रहे दुर्वास मुनि, वो बोल रहे मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपको उसके पास जाना है, उसका पैर पकड़ना है, उसका पैर पकड़ के इसको कंट्रोल करो, मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए दुर्वास मुनि वापस आया। दुर्वास मुनि यूज्ड टू हियर फ्रॉम वन डिवोटी, वो बहुत फैट था, उसका रनिंग में बहुत सांस जा रहा था वो तो बहुत प्रॉब्लम था उसको, वो तपस्वी था, थोड़ा फैट था, बहुत खाया था, बहुत फैट दुर्वास मुनि, वाज रनिंग फ्रॉम ब्रह्मा एंड ऑल, उसका इतना सांस निकल रहे हैं, बहुत बहुत कठिन था उसका सांस लेना, क्योंकि उसका इतना मोटा था, बहुत मोटा था, तो खाना भी बहुत ज्यादा खा रहा था। सो ये वापस आके इस वर्गी में वो मैं आपका पैर पकड़ू, पैर पकड़ के समय क्या बोल रहे हैं अम्बरीश महाराज, वही बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तस्य सोदय महाविष्णु 952 9th canto 5th chapter 2nd verse पाद स्पर्श विल जगैहि अस्तविद्ध अरे राष्ट्रम कृपया पीड़ितो वृषम। दुर्वास में दुर्वास टच्ड हिज लोटस फीट, कृष्णा किसका अम्बरीश, अम्बरीश वाज वेरी एम्बरस्ड, उसका बहुत शर्म हो गया, मेरा आप तो तपस्वी है, अब आप शिवा शिवा लॉर्ड शिवा का इंकारनेशन है, अब लॉर्ड शिवा का इंकारनेशन है, मेरा पैर पकड़ तो नहीं, वैष्णवाना में तो शंभु हो, प्लीज मेरा पैर पकड़ दो, मेरे को बहुत एम्बरस हो गया। देन एंड व्हेन ही सॉ ध्रुव महाराज अटेम्प्टिंग ऑफर प्रेयर्स, वो ऑफर प्रेयर कर रहा था किससे, अम्बरीश, अम्बरीश मना किया, वो बोला मेरे को बहुत शर्म आ रहा है, मेरा आप तपस्वी है, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं ये दुनिया में बैठा हूँ, ये भौतिक संसार में बैठा है, मैं इसके वो फंसा हुआ हूँ, मैं आप तो तपस्वी है और भौतिक संसार परा है, सो इसलिए हमारा हमारा पैर नहीं पकड़ना, पकड़ तो आप पाप हो जाएगा, इसलिए मेरा पैर पकड़ना नहीं है, सो इसलिए बोल रहे हैं। और इमीडिएटली ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द धरे राष्ट्रम, किसका, वो सुदर्शन, देन इमीडिएटली ऑफरिंग प्रेयर्स, तो प्रेयर करके प्लीज उनको देखो, और उसके बाद वो अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं कैसे मैं उसको इतना जिसके मैं उसका मरना चाहता हूँ और कैसे करता है, क्योंकि उसका एक ही आयोटा ईगो नहीं, हम क्या बोलेंगे, ऐसा आदमी हमको पैर पकड़ के आया तो बोला है मेरा पैर चुनो और मेरा यू हैव टू लिक माई फीट, नॉट ओनली लिक माई फीट, लिक माई बूट्स, बूट्स में डस्ट लेके लिक माई फीट, ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि हमको बोलते हैं एक डिवोटी हमको आके प्रभु जी मेरे को ऐसा गलती हो गया प्लीज माफ करो, मैं माफ करना आपको नहीं, मैं जिंदगी में माफ करूंगा, मैं बदला ले लूंगा, मेरा ऑफेंस अब वापस नहीं लूंगा, ऐसा हम सोच हम बोलते हैं, हमारा दिमाग ऐसा ही होता है, क्योंकि हम हमको ऑलवेज रिवेंज लेना है, रिवेंज लेना है, हमको बदला बदला लेना है, हमको यही मकसद है हमको। अम्बरीश महाराज को भगवान का उसका मनस सुमनसा, सुमनसा मतलब इतना बड़ा 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 दिल है, दिल इतना बड़ा है, इसलिए वो एक ही आयोटा ऑफ प्राइड नहीं है, ये तो आयोटा ऑफ ईगो प्राइड नहीं, प्राइड कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी प्राइड नहीं है इनके, देखो अदम्बित मतलब प्राइड नहीं है, हम हमारे पैर छुपा रहे हैं, सो इसलिए वो एम्बरास हो रहे हैं, तो हम तो नाम एम्बरास, हमको बहुत पसंद है, हमारा पैर पकड़ा है अच्छा है, ये आदमी को ठीक है, अभी सीखना है इसको, अभी आपको मैं आपके माफ करने के लिए कोशिश करूंगा, ऐसा हम बोलते हैं, बट हियर ये बोल रहे हैं मैं मेरे को पैर पकड़ पा, सोचो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अदम्बित, सो इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ये यही सुप्रीम नॉलेज, यही संस्कृति हमारा खून में फंसा होना चाहिए, खून में हमारा दिमाग में हमारा इसमें, हमारा खून में नहीं है, हमारा खून में तो बदला लेना, अरगेंट आना होना और ईगोइस्टिक होना, यही हमारा मन में है, क्योंकि हम बोलते हैं हम हमेशा शरीर तत्व में, हम आत्म तत्व में, ये सिर्फ ये अम्बरीश महाराज और परम ज्ञान, ये परम ज्ञान हमको सीखना बहुत जरूरी है, ये परम ज्ञान नहीं सीखेंगे आप कब सुधरेंगे, सो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये हम देख अमानित्व अदम्बित्व, ये दोनों हम दोनों
इसके बारे में चर्चा किया। और ये राज विद्या, राजगुह्यम, राजगुह्यम के बारे में बात करना बहुत बहुत है। राजगुह्यम मतलब ये कॉन्फिडेंशियल होता है, गुह्यम तो मीन्स इस सीधा नहीं बोलना। ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ये इतना प्यार से दिया है। देखो कृष्ण प्रेम के वजह से हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, ये मुक्ति, ये शरीर छोड़ के सीधा गोलोक वृंदावन अदर वापस नहीं आना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इतना आसान से नहीं मिलेगा। किधर भी देखो, कोई भी रास्ता में जाओ, आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अदर योगी, ऑल मुश्किल है, बट फिर भी ये सीधा कृष्ण के पास जाने के लिए, इसलिए ये कृष्ण प्रेम, सीधा कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं कृष्ण प्रेम? ये गुखिया कॉन्फिडेंशियल, इट इज ओपनली गिवन। क्या हुआ, एक रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का एक गुरु था, एक गुरु, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो बोल रहा था, इट इज इन आई थिंक समवेयर इन सौम्य नारायण टेम्पल इन तिरुपत्तूर, दैट वाज समवेयर इन साउथ इंडिया। सो वो बोल रहा था, मैं आपको एक मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र गुखिया, ये मंत्र किसी को नहीं बोलना, नहीं बोलेगा तो आपको इसके वजह से आपको मुक्ति मिलेगा, बट फिर भी किसी को नहीं बोलना, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये गुखिया में बहुत बड़ा गुखिया में ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। वो बोला क्या ना, क्या मंत्र है? वो बोला ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इसलिए वो रामानुजाचार्य क्या किया, वो मंत्र लेगा और तिरुपतूर वो टेम्पल, सौम्य नारायण टेम्पल स्टेप्स में जाना था, मे बी अबाउट 100 feet अबव द ग्राउंड, तो 100 feet के ऊपर जाके और टॉप ऑफ द टेम्पल लेके जोर से बताया, ओ सब लोग बोलना है ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। वो गुरु को बहुत गुस्सा हो गया, मैं बोला गुखिया आप सबको बोल रहे हैं, मेरे मेरे को गोलोक वृंदावन जाने का मन नहीं है, सब लोग गोलोक वृंदावन जाना है, वैकुंठ जाना है, यही मेरा मत, ये मंत्र की वजह से वैकुंठ जा सकते हैं, सो सब लोग जाना है, ये बहुत मेरा मेरा अंदर में है, इसलिए सबको ये मंत्र देना है। इसलिए घोषित किया, गर्जन गर्जन किया, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, सब लोग बोल दिए ओम नमो नारायण, इसकी वजह से वैकुंठ प्राप्ति हो सकता है, सब लोग को बोल दिया। सो ये गुप्त गुप्त ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये कृष्ण प्रेम इतना आसान से नम दिया, और ये कृष्ण प्रेम की वजह से हम गोलोक वृंदावन और वैकुंठ प्राप्ति कर सकते हैं, बट फिर भी हमारा मन में ऐसा नहीं जाने का, मन में क्योंकि इतना प्यार से दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस ऐसे हुआ, चैतन्य जयंती जयंती महाउत्सव का, गौरंग महाप्रभु का, उसके बारे में एक पास टाइम लेके हम खत्म करेंगे, विश्राम करेंगे ये कथा का। सो राजगुह्यम, सो नित्यानंद और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का आदेश से वो प्रवचन कर रहा था, वो कृष्ण सबको बोल रहे हैं कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण का शिक्षा सबको दे दो और कृष्ण शिक्षा करो और कृष्ण का शरण ले लो, ऐसा बोल रहा था वो लोग, नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों चल रहा था। एक दफे एक 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 दफे क्या हुआ, ये लोग जा रहा था उधर, जगाए मताए था, जगाए मताए तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण सब छोड़ के इतना घटिया हुआ है, वो दारू पी के चिकन मटन खा के सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खा के वो इतना घटिया हो गया वो लोग। सो वो लोग वो लूट मार कर रहे हैं, सबको लूट मार कर रहे हैं, सब घर आके लूट मार करके पैसा लेके इतना तंग देते हैं सब, वो नवद्वीप में बहुत तंग दे रहा था, नवद्वीप मायापुर में बहुत तंग दे रहा था वो लोग। सो इसलिए वो लोग को देखते हुए ये लोग इतना डांस करते हैं, वो अपने आप झगड़ा करते हैं और प्यार करते हैं, सब कुछ रोड में करते हैं, सब लोग देख रहा था। एक दफे ये बहुत बड़ा क्राउड था, उनके अंदर ये दोनों फाइट कर रहा था, वो दोनों बीच नीचे गिरा पड़ा हुआ। सो इसमें ये देखा नित्यानंद को, दोनों को देख के उनके मन में इतना प्यार आया, देखो वो कृष्ण प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम इतना मुख्य है। सुनी नित्यानंद, ये मध्य कांड, ये चैतन्य भागवतम वृंदावन ठाकुर लिखा है, ये चैतन्य चरितामृत में नहीं है,
मध्यकांड 1353 13 चैप्टर 53rd वर्स सुनि नित्यानंद बड़ा करुणा हृदय वीर उदार चिंताय सदाय आफ्टर हियरिंग दिस द काइंड हार्ट नित्यानंद मर्सीफुली कॉन्टेम्प्लेटेड वो कैसे ये 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 दोनों का कैसे उदाहरण करो और 1354 में देख रहे हो पद की तारी ते प्रभु कैला अवतार ये माता पाती की को तो भाई बना आ रहा मतलब ये गौरंगा तो अवतार किया है टू डिलीवर वो उदाहरण करना ये पापियों का कैसे ये दोनों पापियों को कैसे निकल कैसे उनका उदार करेंगे हाउ वी विल वेयर विल फाइंड कैसा ऐसा पापी को केदर मिलेगा ये जैसा नहीं मिलेगा जगह माता जैसा नहीं मिलेगा सो इसलिए ऐसा बोल रहा था और क्या हुआ उन लोग को बात बात कर रहा था वो दोनों गया उनके दर्शन दिया दर्शन देने के बाद इतना उसके मन में आंसू आ रहे हैं उनका आंख से आंसू आ रहे हैं वो देखे इतना इतना घटिया बेटा हुआ ये ब्राह्मणास तो उनके बारे में सुना है और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनके पास गया कृष्णा का नाम बोलो कृष्णा का प्रचार करो कृष्णा का शरण ले लो और चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लो ऐसा बोला उन लोग को बहुत गुस्सा आया उन लोग दोनों को मारने के लिए आया ये लोग भाग के वापस आया वापस आके वो दिन रोज है ना हम लोग ना फ्लैश रिपोर्ट बोलते हैं रोज फ्लैश रिपोर्ट होता है इसलिए वो दिन फ्लैश रिपोर्ट में ये ऐसा ऐसा हुआ ऐसा ऐसा हुआ सो चैतन्य महाप्रभु के ये लोग रिपोर्ट दे रहा था रिपोर्ट देख के चैतन्य महाप्रभु ये वर्ष बोल रहा था बहुत बड़ा हाशी ही वाज लाफिंग चैतन्य महाप्रभु लाफिंग एंड रिप्लाई हाशी हाशी मीन्स लाफिंग हाशी बाले विश्वंबर हाइलस उतारा यही क्षण दर्शन पहला तो मारा ही सेज चैतन्य महाप्रभु सेज मेरे को मेरा बस जरूरत नहीं है क्योंकि क्या हुआ दे वर डिलीवर्ड उनका उदाहरण आप कर दिया जब आपको उनका देख के उनका उदाहरण कर दिया सो एंड देन ही सेज नेक्स्ट वर्स ब्यूटीफुली विशेष चिंता हा तुम ही एक मंगला अजी रहते कृष्ण कर गरीब कुशाला सो आपको नित्यानंद प्रभु आपका एक ही मकसद है सबको कृष्ण प्रेम देना है यही उनका मकसद है इसलिए इट विल बी सून अरेंज मतलब ये लोग डिवोटीज हो जाएंगे ये लोग महाभागवदास हो जाएंगे जगह माता है डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट एंड देन व्हाट हैज हैपेंड नेक्स्ट टाइम अगेन नित्यानंद प्रभु चैतन्य हरिदास ठाकुर में एंड देन अगेन दे रिक्वेस्टेड एट दैट टाइम मदाई बिकेम वेरी एंग्री मदाई का बहुत गुस्सा हो गया क्यों हमको तंग कर रहे हैं हमको कृष्ण का नाम लेना है नहीं लेना और मटकी लेके नित्यानंद प्रभु को मारा उनके सिर से ब्लड हो रहा था और बॉडी सब ब्लड हो रहा था ये न्यूज वो डिवोटीज का मालूम हो गया बहुत दे लोग बहुत अफेक्ट किया दे लोग गया वो नित्यानंद को बोला मेरे को ब्लड आ रहा है वो उसके बारे में मैं नहीं रो रहा हूँ मैं रो रहा हूँ आपको क्यों ये अंधा में बैठा है अंधा तामिश में बैठा है वो महामुहा में बैठा है हमको आना चाहिए आप कृष्ण का दर्शन ले लो चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लो कृष्ण का नाम ले लो यही आपका उदार है यही आपका अच्छा है कल्याण है ये कल्याण आप नहीं सीखते मेरे को दर्द नहीं हो रहे हैं मेरे को दर्द यही हो रहे हैं आप लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं ऐसा बोल रहा था मदाय से ये देख के जगह को बहुत जगह को आंचर हो गया उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया दैट इज व्हाट ही मेंशन नो सताम प्रसंग मम वीर सम्युत सताम प्रसंग एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज मम वीर सम्युत कृष्ण का पास टाइम ले रहे हैं भवंती हृत्कर्ण our heart and karna our ear and heart rasayana kata complete chemical reaction from demonic mentality madai jagai became a pure devotee dekho kaise unko maar rahe fir bhi humko itna pyar de rahe hai oh aisa isliye madai ko bola dobara madai maarne ke liye koshish nahi nahi maar aisa mat karo ye bhagwan ka bhagwan bhakt hai hum apradh kar rahe please don't do it he stopped jagai he stopped madai from doing it again and then a news sabo radha is kiske paas gaya chaitanya mahaprabhu paas gaya chaitanya mahaprabhu bola hai quickly went and informed the lord who immediately came there with his associates immediately chaitanya mahaprabhu unka kyunki kaunteya prajani namai bhakta pranashyati so the entire body of nityananda was covered with but nityananda smiled nityananda hasra hai he stood there between the two jagai and madai the lord saw the bed
चैतन्य महाप्रभु को कॉन्शियसनेस, वो उनका चित्त चैतन्य निकल गया, चैतन्य निकल के वो बोल रहा चक्र चक्र चक्र, वो चक्र लेके उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा, जगह मत आई, वो इमीडिएटली नित्यानंद को मालूम हो गया कृष्णा चैतन्य महाप्रभु सॉरी अभी कृष्णा बरिया उसको मारने के लिए कोशिश कर रहे, इसलिए इमीडिएटली उनका पकड़ा चैतन्य महाप्रभु को, पाद कमल को पकड़ के देखो मैं मदाई तो मारने के लिए कोशिश किया, वो जगह प्रिवेंट किया, वो ऐसा बोला है पैसिफिक किया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न हाउ टू टॉक व्हेन पीपल इन एंगर, हाउ टू टॉक, यू नो नित्यानंद वो सीख रहे हैं, ही इज गिविंग लेसंस टू अस हाउ, बिकॉज़ ही डिडंट से मदाई हैज हिट मी, दैट इज द बेस्ट वे, ब्लड इज कमिंग बिकॉज़ ऑफ मदाई, मदाई की वजह से मेरे को ब्लड हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोला, जगह स्टॉप किया। सो ये सुन के बहुत खुश हुआ, इमीडिएटली his anger subsided immediately, Chaitanya Mahaprabhu ka anger immediately subsided, and then jagaya aisa kiya mere ko jagaya ka abhi usko mahabhagavat bana do, mahabhagavat bana diya usko, aur uske baad madai ke paas gaya, madai abhi to change ho gaya, abhi us dekha hai dono Nityananda ko Chaitanya Mahaprabhu unka darshan leke purify hone ka aur alawa koi rasta nahi hai, isliye hum log Mahavishnu Goswami Maharaj ka darshan le liya, humko purify hona chahiye, ये मेरे को ये मेरे को कितना मिलियन साल मिलेगा नहीं मालूम नहीं, बट फिर भी हम सब लोग जा रहे हैं कृष्ण के पास, क्योंकि महाविष्णु गोस्वामी महाराज और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मर्सीफुल इंकार्नेशन, उनका मर्सीफुल इंकार्नेशन महाविष्णु गोस्वामी और प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, सो इसका कोई अंतर नहीं है, हम लोग सब जा रहे हैं जरूर, बट ओनली टाइम डिफरेंस, आप लोग सब जाएंगे पहले, उसके बाद हम महाराज का बोलो ये सज्जन प्रभु रॉटन फेलो है, उसको भी पकड़ के आ जाना, आप लोग रिकमेंड करेंगे, आप लोग भागवत दास है आप भाव रिकमेंड करेगा तो महाराज आपको एक्सेप्ट करेगा। सो ये जगह मदाई ऐसा बोला, मदाई उनके पास शरण लिया, चैतन्य चैतन्य मुझे मेरे को कोई रास्ता नहीं, मैं आपको मेरे को and then Nityananda was saying when mother hit me jagai saved me yet I feel no pain, oh please give me 2 in charity, ye dono ko kaise bhi udhar karo, please be pacified, please pacify karo ye Narasimha bhagwan ko Prahlad Maharaj pacify kiya, I feel no pain, mere ko pain nahi ho raha, then matai ko bhi udharo, abhi jagai ko to udhar liya, abhi jagai matai ko udharo, matai ko udharna mere ko rasta nahi hai kyunki aapko apradh kiya isliye aapko sharan pakadna, तो मदाई उसके बाद नित्यानंद प्रभु का शरण पकड़ा, वो शरण पकड़ के उनको शर्म आया, जस्ट लाइक अम्बरीश महाराज वाज फीलिंग अशेम, दिस नित्यानंद प्रभु वाज फीलिंग अशेम, एंड देन ही टोल्ड दिस वर्स, ही सेज कोने जन्म एक का यदि हमारा सूत्र शब्द दिन मादी रे सुना निश्चिंत मोरा ये तापराध किंचु दया नहीं माया चादा कृपा कोरा तुम्हारा मदाय, ही सेज आई डिक्लेयर बोल्डली घोषण किया कोई भी हम पायती मतलब पायस डीड्स अब कल्याण मिला हमको इन माय लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम में मिला कुछ, आई गिव इट ऑल टू मदाई, ये मदाई को सबको दे रहा हूं, लेट हिम बी रिलीव्ड ऑफ एनी ऑफेंस, उसका कोई भी ऑफेंस नहीं रहना चाहिए, डू नॉट बिविल्डर हिम, चैतन्य महाप्रभु उसको मोहित में नहीं रहना है, वो आपको मर्सी देना, और उसके बाद मर्सी दिया और मर्सी मिल गया दोनों, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है दोनों महाभागवत हो गया, और उसके बाद बड़ा फीस्टिंग हुआ, बड़ा फीस्टिंग में ये चैतन्य महाप्रभु बोला है जगाए मताए को किसी को कोई भी है उसको गटिया में घोषित कर रहे हैं वो तो हेल में जाएंगे, मैं आपको मस्की उसको मस्की नहीं दे पा, तो इसलिए हम बहुत बहुत वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन नॉट अफेंडिंग जगाए मताए आल्सो बिकॉज़ दे हैव बिकम महाभागवत फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, and this is because itna bada mukhya krishna prem mukhyata but phir bhi freely distribute kar rahe, so isliye it is param mukhyam, that's why it is king of knowledge and rajavidya rajagukyam king, so ye paranyan ye param divya knowledge param mukhyam ye sab is itni aasan se mil rahe hum phir bhi hum dil mante nahi hum chant nahi kar rahe hare krishna चैतन्य महाप्रभु का एक एक दिन मैं उसमें ब्लड में है हरे कृष्ण और फिर भी हम सो
ये दिल ते मानता ही नहीं है, हम नाम प्यार से नहीं लेते, इतना प्यार से हमको दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अम्बरीश और कृष्णा, ये सब हम सीखना है। और ये कल्चर ऑफ नॉलेज, ये संस्कृति हमारा ब्लड में होना चाहिए, ये संस्कृति अमाणित्व तो, मातंबित्व तो, ये सब हम सीखना है, हम प्रैक्टिस करना है। मेरे को मैं कब प्रैक्टिस करूंगा मालूम नहीं, मैं आप तो सबको विनती कर रहा हूँ, प्लीज एक दिन आई विल प्रैक्टिस दिस इन माई लाइफ, नीड टू डू दिस प्रैक्टिस, प्लीज प्रे फॉर मी दैट वन डे आई विल बिकम रियली डिसिपल ऑफ महाविष्णु मुसाई महाराज। आप लोग इतना बड़ा भक्त है, उनके सामने मैं बात करना भी मेरे को योग्यता नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी ऑफेंसेस, प्लीज ब्लेस मी टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस एंड बी अ डिवोटी डिसिपल ऑफ महाविष्णु मुसाई महाराज। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच वैष्णव सेवक प्रभु और प्रभुजीस, अदर प्रभुजीस, आई फॉरगॉट हिज नेम, बाबी प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, श्रीमद भागवत ग्रंथराज की जय, श्रील रूपार की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेम, हरे कृष्ण। हरी बोल, प्लीज वेट एक मिनट, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और एनी रिलेशंस यू कैन शेयर, प्रभु जी, माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, श्याम चरण प्रभु, अगर कि यस, अगर किसी के कोई कमेंट है तो भी आप कह सकते हैं, बहुत सीनियर, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज है, श्याम सुंदर प्रभु है। प्रभुजी हरे कृष्ण, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी या दंडवत प्रणाम, प्रभु श्याम सुंदर प्रभु जी, हरि हरि बोल, हरि हरि, जस्ट बाय हियरिंग योर वॉइस आई बिकम रीजनरेटेड इन डिवोशनल सर्विस। प्रभु जी यू नो इट इज ऑल योर ह्यूमिलिटी प्रभु जी, बट ऑनेस्टली यू नो द वे यू नो द वे यू कंडक्ट द क्लास, द वे यू नो यू प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड इन कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ श्रील गुरुदेव, दिस इज अमेजिंग प्रभु जी। यू नो your language is so sweet, your emotions are just flowing, absolutely amazing, and the way you are teaching Prabhuji, you know that kis tarah se jadi kisi ko krodh hota hai aur us krodh ki sthiti mein kis tarah se is tarah ka bhasha ka prayog karna chahiye ki krodh jo hai wo thanda ho jaye, Prabhuji aapne jitna achhi tarah se example se ye bataya na, bahut hi anand aaya Prabhuji, bahut bahut anand aaya। और इसमें एक एक जस्ट एक थोड़ा सा मेरे को ऐड करना है प्रभु, कि इसी तरह से जब हम देखते हैं कि शिव जी को जब ये दक्ष प्रजापति इतना भला बुरा कर रहे थे और उस भला बुरा कहने के बावजूद भी शिव जी ने बिल्कुल कोई भी रिएक्ट नहीं किया, और जैसे महाराज बोलते हैं यू नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन, करेक्ट। सो प्रभु यू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, the way you have explained Prabhuji, you know, all glories to Srila Prabhupada and all glories to you Prabhuji, very okay. Very nice explanation Prabhuji, thank you very much, I'm regenerated, please pray for me that one day I should become a devotee like you Prabhu, thank you very much Prabhu, thank you very much, thank you very much Prabhuji, thank you very much for your class, Hari Bol, ek aur comment hai, मीनाक्षी माता जी की कमेंट है, लर्निंग ह्यूमिलिटी फ्रॉम यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, यू आर सो हम्बल, हरे कृष्णा, ये मीनाक्षी माता जी की कमेंट है। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णावधि की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सज्जन प्रिय प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान वासुदेव से मिलने का दिव्य विमान इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, थैंक यू बाबा प्रभु, थैंक यू वेरी मच, thank you Vaishnav Sahib Prabhu or all the devotees in Rajkot, thank you, Hare Krishna, please maaf karna mera galti kuch ho gaya mera baat karne mein, mera hindi ki kachra hai to baat karna, no Prabhu ji your hindi is very good, aap koi aapko koi keh nahi sakta ki aap south se aur aap itne acha chennai se hoke hindi bolte hai, koi keh nahi sakta, bahut acha sundar lecture raha aur pura hindi mein tha, thank you very much Prabhu ji, Hare Krishna, thank you very much, thank you.